हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। सो गाइस, आज का टॉपिक आपको टाइटल से पता चल ही रहा है कि क्या है। ये सभी गर्ल्स की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आज के हमारे समाज में ये प्रॉब्लम्स हर गर्ल्स को फेस करनी पड़ती है, जो कि है वर्जिनिटी लूज। मोस्टली आपने देखा, मैरिज के बाद भी ये प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ती है, चाहे वो मैरिज से पहले फिजिकल हुई हो चाहे नहीं हुई हो। फिर भी उसके मन में ये डर तो रहता ही है कि फर्स्ट नाइट पे मेरे ब्लड आएगा या नहीं आएगा, और अगर नहीं आया बहुत से सवाल लोगों के मन में होना स्टार्ट हो जाएंगे, और सबसे पहले हस्बैंड के मन में कि कहीं ये पहले सेक्स तो नहीं कर चुकी है या कहीं इसका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं था। ऐसे बहुत से सवाल लोगों के मन में आते हैं। कई बार आपने देखा कि पुराने टाइम में गर्ल्स का वर्जिनिटी टेस्ट लिया जाता था। उसके लिए क्या किया जाता था, जब उसकी मैरिज होती थी तो मैरिज के टाइम पर बेड पर वाइट चादर बिछाई जाती थी, जिससे देखा जाता था कि लड़की वर्जिन है या नहीं है। अगर उसके ब्लड नहीं आया तो उसको कई बातों से कलंकित किया जाता था, कई वर्ड उसको ऐसे गंदे गंदे बोले जाते थे कि कलंकित है, पहले किसी के साथ मुंह काला करके आई है। बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो उनको बोले जाते थे, चाहे वो गलत हो चाहे नहीं हो, फिर भी उनको बोले जाते थे। तो गाइस, आज के टाइम पे ये सब नॉर्मल बात है। आज के टाइम में हमारी जो वर्जिना होती है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे या स्विमिंग वगैरह करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, तो उससे आपकी वर्जिना की जो सील होती है वो अपने आप टूट जाती है। और सील क्या होती है, एक झिल्ली होती है पतली, जो ज़्यादा एक्सरसाइज करने ज़्यादा वजन उठाने की वजह सील टूट जाती है। तो आज का ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यह प्रॉब्लम्स काफी गर्ल्स को फेस करनी पड़ती है। अगर वो गलत नहीं होती है तब भी उसे ये चीजें फेस करनी ही पड़ती है। तो आज के मेरे वीडियो में इसी का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम्स पहले ही हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि गर्ल्स की जब सिक्स सेवेंथ क्लास से जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम उनको इतना पता नहीं रहता है, जिमनास्टिक करती है, साइकिलिंग वगैरह करती है, एक्सरसाइज वगैरह करती है, तो आज के टाइम में ये सब चीजें नॉर्मल हो जाती है और उस टाइम उसके ब्लड भी आ जाता है, बट उनको इतना पता नहीं रहता है कि ये ब्लड क्यों आया। बट गाइज, इन सब चीजों का एहसास उसे मैरिज के बाद में होता है, जब ब्लड नहीं आता है, जब उसे कई नामों से बुलाया जाता है और उस पर कई इल्जाम लगाए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स नहीं हो या आपने मैरिज से पहले भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिए हैं बट आपकी मैरिज किसी सेकंड पर्सन से हो गई है और आपको डर है कि ऐसे में अगर ब्लड नहीं आया तो आप क्या करेंगी, आपको सब गलत नजरों से देखेंगी, तो गाइस इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह है वर्जिना केयर। सो आप देख सकते हैं वर्जिना केयर के ये कैप्सूल्स आते हैं, ये कुछ इस टाइप के कैप्सूल्स होते हैं, ये इसमें से निकल गए हैं, ये कुछ इस टाइप के कैप देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप के ब्लड कैप्सूल्स होते हैं, और इन कैप्सूल्स को आपको इंटरकोर्स करने के पहले अंदर आपको अंदर रखना पड़ता है। ये 3 आवर्स के पहले आपको इन कैप्सूल्स को अंदर रखना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि जब भी आप सेक्स करेंगी तो आपके ये नेचुरल ब्लड बन के बाहर आ जाएगा। किसी को डाउट भी नहीं होगा कि आपने मैरिज से पहले भी किसी के साथ फिजिकल बनाया है या नहीं बनाया है, तो इन कैप्सूल्स को आपको रखने हैं। और अगर आपकी न्यू मैरिज हुई है तो ऐसी कंडीशन में ये 2 कैप्सूल्स आपको अपने पास रखने हैं। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट नाइट पर भी सेक्स नहीं होता है, तो उसके लिए आपको सेकंड कैप्सूल्स भी रखना है, जिससे आप सेकंड नाइट में भी इसे अपने अंदर इंटरकोर्स कर सकें। और ये कैप्सूल्स आपको मेडिकल पे इजीली मिल जाएंगे, और इसे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कैप्सूल्स को लेना है और अंदर की तरफ आपको थोड़ा सा रखना है, जिससे ये अंदर वर्जिना में अपने आप चला जाएगा। और उसके बाद आपके नेचुरल ब्लड आएगा सेक्स करने के बाद, जैसे जो आता है पीरियड के टाइम पे वैसे ब्लड आएगा, ज़्यादा भी नहीं आएगा, तो आपको ज़्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है, और ब्लड का कलर भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे ब्लड का कलर रहता है। तो इसीलिए इन कैप्सूल्स को बनाया गया है, जिससे आपको किसी भी तरीके की शर्मिंदगी या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़े। पहले मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रही थी, मेरे फ्रेंड ने मेरे को कॉल करके बोला कि आप इस टॉपिक पे वीडियोस बनाओ, क्योंकि ये बहुत सी गर्ल्स की प्रॉब्लम्स रहती है। बहुत सी गर्ल्स ऐसी होती हैं जो मैरिज के बाद ये कि अगर हमारे ब्लड नहीं आया या कुछ भी ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगी, ये डर सभी गर्ल्स के मन में रहता है। जरूरी नहीं है कि आपने सेक्स ही नहीं किया या आपने सेक्स किया हो तो ही आपके ब्लड आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये उन्हीं के लिए बनाया गया है, इन्हें आप बेझिझक ले सकती हैं और इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है।
तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से चेकआउट कर सकती है। और इससे रिलेटेड और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं।